शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26 जुलाई 1964 रविवार। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी इस विनाश के टाइम पर भारत में काम अग्नि की वर्षा हो रही है। ऐसे ही कहेंगे दुनिया में काम अग्नि की वर्षा है, तो उसको बुझाने के लिए बाबा कहते हैं कि तुमको याद अग्नि में अर्थात योग अग्नि में रहना पड़ता है। तो देखो इस योग अग्नि में रहने में कोई तकलीफ है तुमको? तकलीफ की तो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, और कोई डर की बात भी नहीं है। वो अग्नि अग्नि तो है नहीं। बरोबर भंभोग को आग लगनी है और उस आग से कोई तुम पावन नहीं बनते हो। नहीं ऐसे कोई दूसरे मनुष्य समझते होंगे कि ये जो आग लगती है, इस आग के कारण वो जो होलिका होती है ना, वैसे ही कोई आत्माएं पावन बन जाती हैं। नहीं, जो बाकी हैं उनको तो पापों की सजाएं खानी पड़ती हैं, और तुम इस अग्नि को पार करके याद की अग्नि से तुम सीताएं पवित्र बन रही हो। तो तुम बच्चे अभी अपन को सीताएं समझते हो ना, तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है ना। तुम सब सीताएं हो, नंबरवार। पुरुष भी सीताएं हैं, क्योंकि वो भी बंधन में हैं। सीता का अक्षर राम से लगता है। राम है एक जो सबका सदगति दाता है, और राम की सीताएं तो गाई गई है ना। तो देखो बाबा समझाते हैं तुम सभी सीताएं हो, जो बैठ करके अपने बाप राम को याद करती हो। कहा जाता है एक तुम्ही दूसरा न कोई। अब ये सब तो सीताएं नहीं बनती है ना। तुमको बाबा पार ले जाते हैं। तुम जानती हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है और हमको उस पार ले जाने के लिए युक्तियां बनाए बताई रही। किस पार ले जाने के लिए? ये संसार विषय सागर है ना, इस विषय सागर से कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, इससे पार ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है। और ये उस मांझी या खेवैया की बात नहीं है जो पानी से बाहर ले जाते हैं। तुम बच्चियां तो यहाँ याद में रहती हो, ये याद की यात्रा कही जाती है। विषय सागर से अमृत सागर है या क्षीर सागर में जाने के लिए। अब बताओ तुमको मेहनत क्या करनी पड़ती है? हम याद में रहते हैं। याद में रहते रहते फिर क्या होगा? इस विषय सागर से या विकारी दुनिया से इस कुंभ ही पाक न रस्ते तुम आप ही पार जाते हो। पार ले जाने के लिए कोई थप्पड़ बप्पड़ नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं, ना ही तुम्हारा कोई हाथ पकड़ा जाता है। तुम सिर्फ कहती हो बाबा मैं आपकी हूँ, कोई हाथ आदि पकड़ने की दरकार नहीं। ये तो बुद्धि रूपी हाथ की बात है। फलाने फलाने की दरकार नहीं, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। और इसमें बुद्धि काम करती है, आत्मा मेहनत करती है। दुनिया नहीं जानती है कि हम आत्मा मेहनत करती है, शास्त्र पढ़ती है, विद्वान बनती है। वो तो कहेंगे हम आत्मा बैरिस्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, जज बनती है। ऐसे तो तुम कोई कभी नहीं कहते हो। 26/7/64 की वाणी का तीसरा पेज। इस समय में सिर्फ तुम बच्चियां जानती हो कि हम आत्मा सो बाप को याद करते हैं। इस याद से हम इस विषय सागर के उस पार क्षीर सागर में पहुंचेंगे। अब बच्चे ये तो जानते हैं कि क्षीर सागर कोई निर्वाण धाम को नहीं कहा जाता है, क्योंकि क्षीर सागर विषय सागर के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर क्षीर सागर को भी यहाँ का ही कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा को याद करने से हम क्षीर सागर में चले जाएंगे, क्योंकि 84 जन्म पूरा हुआ। बाबा ने रात को भी बताया था ये पक्का याद करो, बहुत सस्ती पॉइंट है और सहज पॉइंट है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ और हमको जाना है घर। अभी देखो ये समझाने की कितनी बातें हैं। वास्तव में उनमें कुछ भी बात आती नहीं है, बस 2 अक्षर। फिर भी पिछाड़ी में कहते हैं 2 अक्षर याद करो। कौन से 2 अक्षर? गीता में क्या बताए? मन मना भव मध्याजी भव। अपने बाबा को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अभी कहाँ भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि कोई 84 का चक्र पूरा हुआ तब फिर बाप आते हैं और कहते हैं कि अभी वापस चलना है, याद में रहो और कोई तकलीफ नहीं। ये तो बैठ करके खेवैया है, बागवान है, इस बाग का माली है, ये बहुत करके कितने नाम दे दिए हैं, बाकी कोई तकलीफ तो है नहीं। ये सब जो भी है ये महिमा की बातें हैं, बाकी है कुछ थोड़ी। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिर्फ याद करो तो निर्वाण धाम से होते हुए तुम क्षीर सागर में यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्षीर से घी मिलता है ना। तो इसलिए कहा जाता है घी की नदियाँ। तो घी की नदियों से पहले तो क्षीर सागर चाहिए। क्या हुआ क्षीर सागर और क्या हुआ घी? हैं? क्षीर सागर हुआ ज्ञान का सागर और घी क्या हुआ? याद। तो देखो कितनी महिमा लिखी है जिसका कोई अर्थ नहीं समझ सकते। और ये महिमा कौन से युग की है? संगम युग की है। तो बोलते हैं रक्त की नदियों के बाद घी की नदियां बहती हैं। ये रक्त की नदियां क्या है? हैं? एक तरफ कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं। तो तकलीफ नहीं होगी? है? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। तो जिधर हाहाकार होता है वहाँ रक्त की नदियाँ। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में रक्त की नदियाँ कौन सी हैं? हैं? हाँ। जैसे इस शरीर में खून बहता है, शुद्ध खून भी बहता है और काला शुद्ध खून भी बहता है, ऐसे ही आत्मा में अच्छे संकल्पों का खून और बुरे संकल्पों का खून भी बहता है। तो ये खून की नदियां हैं, बाद में घी की नदियां बहती हैं। तो घी के लिए क्षीर जरूर चाहिए। कौन सा क्षीर है? ज्ञान का क्षीर चाहिए, नहीं तो घी कहाँ से आएगा? इसलिए क्षीर सागर चाहिए, तब घी की नदियां बहे। क्षीर सागर में किसे दिखाते हैं? हैं? विष्णु को दिखाते हैं। कहते हैं ये विष्णु ही परम पद है। तो क्या कोई एक विष्णु की बात है? हैं? नहीं। जैसे एक अर्जुन नहीं है, एक युधिष्ठिर नहीं है, एक भीम नहीं है, सब नंबरवार हैं। संगम युग की बातें हैं। जिनकी महिमा की गई है तो अर्थ में डिटेल में जाना चाहिए। क्या डिटेल में अर्थ हुआ? विष्णु कहाँ लेटा हुआ है? अरे क्षीर सागर में तो सांप है और सांप के ऊपर है विष्णु है। सांप किसे कहा जाता है? विकारी को सांप कहा जाता है। तो ऐसे तो कोई सांप को छुए तो डर जाए, जैसे आधे प्राणी ही निकल जाते हैं। और वहां जिसको परम पदधारी कहा है वो किसके ऊपर लेटा हुआ है? सांप के ऊपर लेटा हुआ है। और ऊपर दिखाते हैं वो सर्प ही उनकी रक्षा करता है, छत्र छाया के मुआफिक। तो जब तक क्षीर सागर नहीं होगा तो घी कहाँ से आवेगा? याद के घृत की बात है, ऐसी स्टेज बनाने की बात है। कैसी? जो कहते हैं 100 बगुलों के बीच एक हंस अपनी मस्ती में रहे। सांप को सैया बना दिया। कहते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं, फिर सतयुग में घी की नदियां बहती हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में लक्ष्मी नारायण को भी क्षीर सागर में दिखाया। तो है ना बरोबर, वो है विषय सागर, कलियुग, सतयुग है जैसे क्षीर सागर। तो कितना फर्क है रात दिन का। उनको विख कहा जाता है। और दूध तो बच्चे भी माँ से पीते हैं कि दूध की कितनी महिमा है। तो बाप बैठ करके सिर्फ कहते हैं कि जो पिया के साथ है उनको बैठ करके सन्मुख अच्छी तरह से समझाते हैं। किनको समझाते हैं? सन्मुख किसको समझाते हैं? किसको समझाते हैं? जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है। यहाँ कितनी महिमा, कितनी बातें, कितने शास्त्र बनाए हुए। उन सब को पढ़ने करने से इतना हम गिरते आए बरोबर। विषय सागर में जाकर पढ़े, पढ़ते पढ़ते गाते गाते बरोबर ये भारत के जो लक्ष्मी नारायण थे वो यहाँ क्षीर सागर में रहते थे। घी की नदियां बहती थी, इतनी सस्ताई थी। ऐसे अभी तुम कहेंगे वहां कोई घी का दाम लगता होगा क्या? वाह, अभी इसी लाइफ में जो 80-85 वर्ष वाले बुढ़े हो गए हैं वो तो 1 रुपया 4 आना मलाई का निकाला हुआ फर्स्ट क्लास घी, फर्स्ट क्लास मक्खन लेते थे। पता है उनको अभी कितना वर्ष हुआ होगा जब तुम स्थापना किए। 37 में रुपया 4 आना वो रोज मलाई का घी निकालते थे और घर में पहुंचाए देते थे। अभी देखो घी कितना महंगा हो गया है, कितना 500 और कहीं कहीं तो 700 रुपया महंगा। यहाँ तो सब चीज महंगी मिलती है और वहाँ माने कहाँ सत्युग में, तो आज की बात 85 साल पहले की बात बताई और 5000 साल पहले क्या होगा, कितना सस्ता होगा है, कोई दाम ही नहीं। वहां तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं लगेगा। उसको कहा जाता है डैम चीप, यानी वहां कुछ खर्चा लगता ही नहीं। इतना था धन सबको मिल जाता है। 26/7/64 की वाणी का 4था पेज। तो अभी धन के ऊपर भी तो खुशी है ना, जितना धन इतनी खुशियां, क्योंकि यहाँ तो जितना धन इतना रंज हो जाता है। कहाँ कलयुग में, और वहाँ है अथाह धन होता है, अथाह खुशी होती है। यहाँ तो जो गरीब हैं वो फिर भी घर में 2 रोटी खा करके खुशी से रहते हैं। अरे साहूकारों को तो बड़े पाप करने पड़ते हैं, ढेर पैसा इकट्ठा करने के लिए। आजकल बड़े बड़े जो भी हैं ऑफिसर्स लाइसेंस देते हैं, फलाना देते हैं, इतना रिश्वत खाते हैं, इतना पैसा लेते हैं, बात मत पूछो। एक केस 50-50 लाख का करते हैं रिश्वत खाने का। जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि करोड़ों रुपया खा जाते हैं। फिर उनके ऊपर केस चलते हैं। पैसे के लिए मनुष्य को कितना पाप करना पड़ता है, कमाई के लिए भी कितना पाप करना पड़ता है। तो इसको कहा ही जाता है ड्रामा के अनुसार। और तुम बच्चे तो जानते हो कि बरोबर ये बुद्धि भी कहती है ये कलह कलेश का युग पाप की दुनिया है और सतयुग पुण्य की दुनिया है। कलयुग में पाप आत्माएं रहती हैं और सतयुग में पुण्य आत्माएं रहती हैं। जब पुण्य आत्माएं रहते हैं तो वहां थोड़े रहते हैं, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले रहते हैं। देवी देवता धर्म वालों के सिवाय और तो कोई वहां रहता ही नहीं है। अभी देखो तुम्हारे आगे सारा संसार सरसों के मिसल भरा हुआ है और तुम इस संसार को देख देख इसको जान, इस ड्रामा के आदि मध्यांत को जान कितने हर्षित रहते हो। नाटक में मनुष्य बैठ करके देखते हैं तो हर्षित होना चाहिए ना, अभी तुम्हारे मिसल कोई की बुद्धि इतनी विशाल नहीं बनी है, इतनी बेहद की बुद्धि कोई की भी नहीं बनी है। जो समझे उफ, सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। अभी जबकि पार्ट आकर के पूरा हुआ है, सभी एक्टर्स का अर्थात दैवी धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के आदि आदि, देखो वैरायटी धर्मों का झाड़ याद आ जाता है। अभी तो सरसों के मिसल मनुष्य हो गए हैं, जबकि कलयुग से सतयुग होगा उसमें 1% मनुष्य भी नहीं रहते। तो रहते हैं कितने परसेंट रहते हैं? अरे 500 करोड़ में कितने रहते हैं? है 4.5 लाख, बिल्कुल थोड़े। और यहाँ तो 500 करोड़ वांग आया हुआ है। विवेक भी कहता है, बाबा ने समझाया था कि गाते हैं फकीरानो, तुम बच्चे राजयोगी फकीर हो और वो भी फकीर होते हैं, तुम भी फकीर हो, लेकिन तुम राजयोगी हो, वो हठयोगी फकीर होते हैं। तुमको कोई भीख नहीं मांगनी पड़ती है और उनको तो भीख मांगनी पड़ती है, वो तो बैगर फकीर हैं और तुम तो रायल फकीर हो क्योंकि बाप के बच्चे हो। तो वास्तव में कहना तो पड़े ना, सन्यास किया है ना, तब तुमको फिर राजयोगी भी कहते हैं। तो गाया जाता है फकीरों साहब सच्चा साहब लागंदा बहुत प्यारा, ये छोटेपन में गाते थे। अभी एक जन्म की बात है, परंतु आगे भी जाते होंगे। बहुत भारतवासी गाते हैं फकीरानो साहब लागंदा प्यारा। वो जो फकीर हैं सन्यासी, उनको साहब का पता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। फिर उनके पिछाड़ी फकीरों ने साहब लागंदा प्यारा, तुम राजयोगियों को बाबा बहुत प्यारा लगता है। सबका सच्चा साहब तो वो है, उनको सच्चा साहब भी कहते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा साहब, जो बैठ करके तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, उसको कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा साहब। और गाते भी हैं फकीरानो। अभी तुम फकीरानो हो, भक्ति मार्ग में जो गायन होता है वो पास्ट हो गया। घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा, घट ही में 9 लाख तारा, फकीरानो साहब लागंदा प्यारा। क्या मतलब? घट माने है, घट माने घड़ा, घट में ही सूर्य, घट में ही चांद। क्या मतलब हुआ? घट में ही 9 लाख तारा। अरे नहीं बुद्धि माता है। अरे एक ही बीज है जिसमें सूर्य भी समा जाता है, चांद भी समा जाता है, और इस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। कितने तारे हैं जमीन के? 9 लाख सितारे हैं। तो देखो ये हुआ फकीरानो साहब ला गंदा प्यारा। जो भी भगत होते हैं वो बहुत गाते हैं बाबा। वो सोरदा होता है ना, एक तारा, उस एक तारे के ऊपर ये इतना गीत गाते हैं। अर्थ का पता भी नहीं, ऐसे ही गाते रहते। कौन सा तारा? भोर का तारा। कुरान में भी कह दिया वो क्या है? भोर का तारा है। कौन सा तारा है? अरे जो अपनी जगह स्थिर रहता है और सब तारे अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं, उसके चक्कर काटते रहते हैं। तो वो तो जानते ही नहीं है, ऐसे ही गाते रहते हैं। 26/7/64 की वाणी का 5वां पेज। बरोबार सत्युग में तुमको झाड़ का थोड़ा अंदाज जरूर होगा। तो साहब तुमको प्यारा है, प्रीति है तुम्हारी साहब के साथ। गाया भी जाता है बिना सकाले साथ की भी कभी दूधे। और तुम्हारी साहब से जो है राजयोगी वो है प्रीति बुद्धि। तुम बच्चे पक्के फकीर हो, तुम पहले पक्के फकीर हो, क्योंकि देह अभिमान भी तुमको नहीं, तुम पूरे फकीर। सच्चा फकीर उनको ही कहा जाता है जिनको देह अभिमान भी नहीं होता। सब छोड़ दिया, बाकी कुछ रहा? देह अभिमान छोड़ने के बाद बाकी कुछ रहा? कुछ भी नहीं। बाकी कहेंगे आई एम आत्मा, बस, और कुछ भी नहीं। ये भी कथाएं हैं थोड़ी थोड़ी कि स्त्री ने पति को बोला, तुम्हारे लिए वो बोला। ये सब छोड़ दे सहित ये लाठी भी उठाओ, हटाओ। बोलता है ये लाठी वाठी का है कि? तो बोली देह सहित अभिमान छोड़ दो और फिर अपन को आत्मा समझ करके सच्चे साहब को याद करो। तो सिर्फ तुम ही यहाँ हो। सन्यासी को फकीर कहते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि फकीर कोई खाते नहीं है। वो फकीर तो फाका मारते हैं, तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए फकीर हो, सन्यासी हो। तुम कोई वो फकीर नहीं हो, भिखारी नहीं हो, तुम तो रायल फकीर हो। बच्चे अभी जानते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से है कि अभी हम सच्चे बाबा को याद करने से बिल्कुल अमीर बनते हैं। तो अभी तुम फकीर चंद हो, पीछे तुम अमीर चंद बनेंगे। परंतु फकीर कैसा बना? कैसे बना दिया? देह से सब कुछ दे दिया, बाकी खाली हो गया। उसको कहा जाता है फकीर। तो तुम फकीर कोई फाका नहीं मारते हो, वहाँ शिव के भंडारी से आए हो। तो तुमको कोई फाका मारना पड़ता है नहीं, क्योंकि तुम तो राजयोगी हो। वो हठयोगी, वो अपनी जबान को वश में करने के लिए बहुत जो आएगा वो खाते हैं। देखो तुम जानते हो जंगल में कंदमूल फल होते हैं, आगे तो बहुत सस्ताई थी। जंगल में जाओ तो क्या मिलता है, वहाँ तो केरी मिलती है, चेरी मिलती है, जामुन मिलता है, दूसरे कंदमूल भी होते हैं। आजकल अखबारों में भी लिखते हैं कि दुक्कड़ तो बहुत हैं, तो हम क्यों नहीं पहाड़ों से ये कंदमूल जो आगे ऋषि मुनि खाते थे उनकी खोज करके और फलानी जगह में हो, तो वो भी अभी ले आना चाहिए। उनको तो सब कुछ घर बैठे मिलता था, जबकि वो सन्यासी ताकत में थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। तो कहाँ भी पहाड़ों पर, यहाँ ऊपर में पहाड़ी पर जाओ, इस तरफ में तो बड़ी ऊंची कुटिया बनी हुई है। भला इतना ऊंचा क्यों जाकर बनाई है, क्योंकि उनको बुद्धि में है हमको ऊंचा जाना चाहिए, कुटिया भी ऊंची बनानी चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान को तो वो समझते नहीं है कि हमको ऊंचे से ऊंचा कहाँ जाना है। हमको जाना है अपने पूर्व के देश। तुम जानते हो कि बाबा लेने आया हुआ है और दूसरे सन्यासियों को कोई लेने वाला थोड़े ही आते हैं जो उनको ले जावे। तो देखो बाप को गाया भी जाता है कि बाप लिबरेटर है, यानी इस रावण के 5 विकारों रूपी जेल से छुड़ाने वाला है, अभी तो सब चीज से छुड़ाने वाला है, गुरुओं की जंजीरों से भी छुड़ाने वाला है, भक्ति मार्ग के अनेक कर्मकांडों बंधनों से भी छुड़ाना है। देखो तुम छूट करके भागे ना, सभी बंधनों से बिल्कुल ही छूट गए। इसको कहा जाता है सब से लिबरेट करते हैं, क्योंकि सुख और शांति तो बाप ही स्थापन करेगा। यहाँ तो सबको टाइटल मिल जाता है, इनाम मिलता रहता है, पीस प्राइज मिलती है। मालूम है तुमको बाप कितनी पीस प्राइज देते हैं और वो पीस प्राइज कितनों को देते हैं? कितनों को देते हैं? है? अरे ये भी पता नहीं कि बाप कितनों को पीस प्राइस देते हैं? है? 500 करोड़ को देते हैं। और पीस तो कोई स्थापन नहीं होती है। कोई स्थापन कर भी नहीं सकते हैं। 26/7/64 की वाणी का 6ठा पेज। बाबा समझते हैं कि नेहरू को भी पीस प्राइज मिली हुई होगी, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। आपस में मिल जाने का प्रयत्न करते हैं। अभी आपस में तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मिलने वाले है ही नहीं। आपस में युक्ति रचेंगे, मिलेंगे। अभी ये जो बॉम्ब्स बनाए हैं उनको कहो कि ये सब जाकर के दरिया में डाल दो, पीस स्थापन करनी है सारी दुनिया में। ये बम्स किस लिए बनाए हैं? लड़ने के लिए बनाए हैं ना, तो दरिया में डाल दो। कभी नहीं डालेंगे। पीस के लिए कितना माथा मारते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस। जितना जितना वो पीस का प्रयत्न करते हैं, इतना ही आपस में लड़ मरने के लिए नजदीक होते जाते हैं। कौन? किसकी बात बताई है? अरे दुनिया वालों की बात बताई। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी शूटिंग नहीं होती है पीस कॉन्फ्रेंस की। अभी ये तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि इनको तो लड़ना मरना जरूर है। जितना जितना कोशिश करेंगे, इतना ही इतना इनके झगड़े बढ़ते जाएंगे। कितना भी कोई पुरुषार्थ करे, क्योंकि तुम जानते हो ड्रामा में मौत तो है ही। विनाशकाली विपरीत बुद्धियों का साहब का मौत है। क्योंकि साहब को तो कोई जानते ही नहीं है। तो जानते हो कि विनाशकाली यादवों का, कौरवों का विपरीत बुद्धि हुई। अभी विनाश काल है ना, देखो कितनी विपरीत बुद्धि है। कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो भी खुश तो होते हैं, क्योंकि ये धर्म की जिद पर तो है नहीं कि दूसरे धर्म वाले कोई भी हमारे इस भारत में ना रहे। इनके पास वो नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है कि भाई ये धर्म को ना मानने वाले हैं, जो चाहे सो आकर के रहें। यहाँ भारत में सबके लिए छूट है, क्योंकि इनको ना रिलीजन का मालूम है, न स्थापन करने वाले का मालूम है। समझते हैं सब एक हो जाएंगे, तो इनको बहुत मान देते हैं। परंतु बोलते रहते हैं धर्म धर्म धर्म। हर एक का अपना अपना धर्म, अपनी रस्म रिवाज। ऐसे थोड़े ही है कि सभी की एक रस्म रिवाज हो सकती है। क्रिश्चियंस की रस्म रिवाज अपनी, मुसलमानों की रस्म रिवाज अपनी, हिंदुओं की अपनी नहीं हो सकती है। एकता तो हो ही नहीं सकती। एकता होती है सतयुग में, क्योंकि वहां एक धर्म है। भारत और भारतवासी बहुत याद करते हैं किसको? उसको जो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत की स्थापना करते हैं। अभी भी ऐसे ही कहते हैं कि वर्ल्ड वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। अब ये भूल गए हैं कि बरोबर 5000 वर्ष पहले यहाँ भारत में एक ही राज्य था और कोई भी खंड नहीं था। सारी दुनिया में एक भारतीय खंड था। बाबा ने समझाया भारत खंड अविनाशी खंड है। क्यों? और दूसरे दूसरे जो खंड हैं, क्रिश्चियन खंड, मुस्लिम खंड, इस्लामी खंड, बौद्धिक खंड, ये अविनाशी क्यों नहीं है? ये समुद्र के गर्त में क्यों समा जाते हैं? भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? भारत में भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भारत में? है? भारत में भगवान इसलिए आते हैं कि जितना भारतवासी पवित्रता को महत्व देते हैं, इतना दूसरे धर्म खंड वाले प्योरिटी को उतना महत्व नहीं देते। तो ये बात कितनी अच्छी है समझाने की। बरोबर जब स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी और धर्म है, खंड बहुत है, बहुत धर्म। फिर बच्चे जानते हैं कि और सभी खंड नहीं रहेंगे, है? क्यों नहीं रहेंगे सभी खंड? क्योंकि हैं? अरे गर्त में क्यों समा जाएंगे? क्योंकि अति का अंत हो जाता है, इम्प्योरिटी की अति हो जाएगी, फिर भारत खंड ही रहेगा और सभी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये बातें तो बुद्धि में बच्चों की है ना, ये सभी बातें जो सर्विस पर उपस्थित हैं, कुछ न कुछ उनकी बुद्धि में ठहरती हैं। जो कोई को कुछ न कुछ पॉइंट समझा सकते हैं, तो जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान और योग की नॉलेज है। बस तुम बैठ करके पढ़ते हो, अभी जानते हो, ये बुद्धि में है। और लाहा भी कहता है कि जरूर राजयोग में ये जो नॉलेज हुई, वो कहते हैं मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊंगा, मनुष्य से राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो जरूर तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। अभी ऐसे तो कोई भी सत्संग नहीं है जिनमें कोई कह सके कि तुमको 100 राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा ही आकर के कहते हैं कि मैं तुमको 100 राजाओं का राजा बनाता हूं। वो क्या कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण भगवान वाच, राजयोग सिखाता हूं, तुम राज ऋषि हो। अब ये कौन कहते हैं? साकार कहते हैं या निराकार कहते हैं? निराकार परमपिता परमात्मा, जिनको इन लोगों ने सर्वव्यापी कह दिया है। साकार होगा तो सर्वव्यापी होगा। अच्छा, निराकार है तो सर्वव्यापी है। निराकार का अर्थ नहीं समझते। जब सर्वव्यापी है तो कोई को पता थोड़ा ही पड़ेगा कि भगवान फिर आवेगा, कब आवेगा, जबकि है ही सर्वव्यापी। तो फिर बस सर्वव्यापी ही सर्वव्यापी। 26/7/64 की वाणी का 7वां पेज। जब सर्वव्यापी है तो कुछ बात ही नहीं आने जाने की, वो तो पता भी नहीं है कि तभी कोई आने वाला है। भक्तों का, भक्ति का फल देने वाला कोई आने वाला है, तो जरूर कोई होगा ना। अगर सर्वव्यापी है तो फिर एकदम कोई बात ही नहीं उठती। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। ऐसे भी कोई कोई हैं जो कह देते हैं, पता नहीं कहां से हमको एक चिट्ठी भी आई थी, मैंने उनको लिख दिया, ये कहां से सीखे हो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। चिट्ठी में एक अक्षर लिखा था, ये ईशु को मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। उनका नाम था नरसिंह बॉम्बे का। अभी वो बेचारा याद बहुत करता है, तो तुम बहुत याद पड़ते हो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। अभी वो फिर ज्ञान उल्टा हो गया, यानी निश्चय बुद्धि ज्ञान बयान। परंतु वो बेचारा खुशी का मारा कहता है, बाबा मैं तो बहुत याद करता हूँ, लेकिन बंधन बहुत है। कितना बेचारे को बंधन पड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा। नाम ये नरसिंह और शरीर भी इतना लंबा चौड़ा है। पहले कहते थे बहुत भगवान भगवान, अभी बहुत याद भी करता है। परंतु बेचारा स्त्री को वो न देने के कारण स्त्री भी बेचारी रोती रहती है कि हमारे पति को ये ब्रह्मा कुमारियां ले जाएंगी, फिर तो हम विधवा बन जाऊंगी। तो बस रोती रहती है, डर लगा रहता है, बेचारा यहाँ आ भी नहीं सकता है। लिखता था मम्मा के साथ बुलाऊंगा, अथवा मैं आऊंगा। परंतु वो स्त्री रोती है तो कहता है मुझे तरस भी पड़ता है, इसलिए आपको मैं याद तो करता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर आप ही मुझे याद पड़ते हो। तो बाबा ने लिख दिया, ये तुम्हारी बुद्धि में कहाँ से आया कि जिधर देखता हूँ उधर बाबा ही देखने में आता है। क्योंकि कोई वक्त में किसको कह देवे तो वो बोलेंगे ये तो सर्वव्यापी का नाम ज्ञान मार्ग मैं उठाई लिया है। तो देखो है ना, बरोबर माया और गाया हुआ है कि बरोबर इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों का बहुत ही विघ्न पड़ा। अभी तो तुम जान गए हो कि कैसे विघ्न पड़ते हैं, कितना कितना अबलाओं के ऊपर विघ्न पड़ते हैं। फिर अबला पुरुषों को भी तो विघ्न डालती है, ऐसे नहीं कि पुरुषों को विघ्न नहीं पड़ते हैं। पुरुषों को थोड़े विघ्न और अबलाओं को बहुत विघ्न, क्योंकि छूटने के लिए मेहनत अबला ही करती है। तो जरूर बहुत हैं, इसलिए बहुतों के ऊपर बहुत किस्म के विघ्न पड़ते हैं। उनको इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं जितने इनको। फिर मारपीट भी बहुत पड़ती है, स्त्री कोई विरला निकलती है जिनको सूपन कहा और पूतना कहा जाता है। पूतना का अर्थ है विकार के लिए तंग करती है, माना पूतना नाम क्यों पड़ा? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जिसकी आदत पड़ गई है अपवित्र रहने की। जरूर पूर्व जन्म में क्या रही होगी, हैं? वैश्या रही होगी, तो आदत खराब हुई पड़ी है, उन्हें कहते हैं पूतना। फिर नाम निकलता है सूपनखा, जो उनको मारेगी पीटेगी, यहाँ वहाँ कहीं भी जाने नहीं देगी। तो ऐसे भी नहीं कहती है कि हमको बिख मिले, भले बिख ना दो, पर जाओ कहीं भी नहीं। देखो बहुतों को डर लग गया है, पहले पहले भट्ठी बनी है ना, उनका डर देखो कितना चल रहा है। अभी तक भी वो डर पिछाड़ी तक भी, क्योंकि बाप आकर के ये विष का जो नशा रहता है, विष का नशा, उससे छुड़ाते हैं। 60-60 वर्ष के बुढ़े हो जाते हैं, 60-70-80 वर्ष के बुढ़े भी विकार में जाते रहते हैं। ये वानप्रस्थ तो गाया हुआ है, क्योंकि वानप्रस्थ माना ही 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद फिर तैयारी करनी है वाणी से परे जाने की। कोई न कोई को पकड़ना होता है, क्योंकि फिर बच्चे को दे दिया बिल करके, फिर वो ईश्वर से मिलने के लिए। जो कुछ पाप किया वो पाप कटने के लिए फिर सत्संग करते हैं। सत्संग असल में करते ही थे जबकि वानप्रस्थ अवस्था होती थी। जब पुरुष वानप्रस्थ अवस्था में गया तो घर में बैठी हुई इनकी स्त्री भी वानप्रस्थ अवस्था में हो गई, परंतु वो गुरु कर लेते हैं, और उस विचारी को गुरु करने का हक नहीं है। और यहाँ हक मिलता है तुमको। क्या क्या मतलब हुआ? गुरु करने का यहाँ हक मिलता है तुमको। और भक्ति मार्ग में पुरुष स्त्री घरवार को छोड़ के जाते थे, उनको गुरु करने का हक होता था और स्त्री को हक नहीं। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? है? स्त्रियों को यहाँ कहाँ स्त्री, यहाँ तो रुद्रमाला के मणके हैं, सब पुरुष हैं। यहाँ तो आत्मा है ना, आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। तो आत्माएं स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं या स्त्री हैं? हैं? पुरुष हैं। तो तुमको हक है। क्या क्या हक है? तुम गुरु करते हो, तुमको गुरु मिलता है ना, मिलता है तुमको गुरु मिलता है। और उनको, उनको माने किनको? हैं? हाँ, तो उनको गुरु करने का हक नहीं है। यहाँ हक मिलता है तुमको। यहाँ माने संगम युग में गुरु करने का, सदगति करने वाले का, उससे मिलने का हक तुमको मिलता है। 26/7/64 की वाणी का 8वां पेज। पहले पहले सदगुरु ने ज्ञान कलश रखाई है माता के ऊपर। देखो कितना फर्क हो गया है। पहले पहले माने कब? आज में कौन था सदगुरु? सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। कौन था सदगुरु जिसने माता के ऊपर ज्ञान कलश रखा? यज्ञ के आज में माताएं गुरु बन करके बैठी हुई थी। देखो अब कितना फर्क हो गया। बच्चों को ये तो अच्छे अच्छे राज समझाए गए हैं। अरे मीठे मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। क्या तुम राज ऋषि हो और वो हठयोग ऋषि हैं। क्या ऋषि माने पवित्र, लेकिन वो हठ हठाने हुए हैं। क्या उन्होंने हठ पकड़ रखा है कि क्या हठ पकड़ रखा है? हैं? हठ क्या पकड़ रखा है? हैं? अरे कोई भगवान नहीं हो सकता। क्या शिवो हम ब्रह्मास्मि, हमें ही भगवान है, हम ईश्वर के स्थापन करेंगे। तुम राजाई के लिए करते हो और नई दुनिया के लिए करते हो। ये तो सिद्ध हुआ मृत्युलोक में पुनर्जन्म लेना खत्म होता है, और अब हमको अमरलोक में पुनर्जन्म लेना है। और अमरलोक होता ही है सतयुग में। जो सतयुग में होगा सो सतयुग में ही जन्म लेगा। ये क्या बात? अभी क्या है? अभी सतयुग है। क्या है? हैं? अभी भी तो कलयुग है, तो कहाँ जन्म मिलेगा? कलयुग में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? फिर सतयुग कैसे आएगा? है? हाँ, अभी कलयुग में शरीर छोड़ेंगे तो कलयुग में जन्म होगा, और सतयुग तो है ही नहीं, तो सतयुग कैसे आएगा? और सतयुग में हम जन्म कैसे लेंगे? सतयुग में शरीर कैसे छोड़ें जो सतयुग में जन्म ले? अरे हर आदमी के अपने वाइब्रेशन होते हैं। जिसके अंदर सत संकल्प ही चलेंगे तो उसके वाइब्रेशन कैसे बन जाएंगे? हैं? सत वाइब्रेशन बन जाएंगे। वो सदैव सत्य वाइब्रेशन में ही रहेगा तो कहाँ जन्म लेगा? सतयुग में जन्म लेगा। अमरलोक और मृत्युलोक, कलयुग है मृत्युलोक, सतयुग है अमरलोक। वेद की भाषा में मरना और जीना किसे कहा जाता है? हैं? निश्चय बुद्धि माना जीना, और अनिश्चय बुद्धि माना मरना। तो कौन मरते हैं? कलयुग में कौन मरते हैं? कलह क्लेश के युग में कौन मरेंगे? है? झूठ युग है, झूठ खंड है, तो मरने वाले झूठ खंड में ही जन्म लेंगे। तो क्या करें? सतयुग तो है नहीं, कैसे मरे सतयुग में? क्या तरीका है? हैं? ये जो झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, आत्मा तो सच्ची है। पांच तत्व झूठे, लेकिन आत्मा आत्मा तो सचखंड से आई है ना। तो क्या करें? सदैव श्रीमत के अनुकूल सत्य संकल्पों में रहने से हमारा वाइब्रेशन, हमारा वायुमंडल, हमारी दुनिया क्या बन जाएगी? सचखंड बन जाएगी। आप मुए मर गई दुनिया, तो सचखंड में ही जन्म लेते हैं, तो अमरलोक में ही हमको पुनः जन्म लेना है। और अमरलोक होता ही है सतयुग में, जो सतयुग में होगा सो सतयुग में ही पुनर्जन्म लेगा। वहां कोई ये नहीं कहा जाएगा कि लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड या स्वर्ग पधारा, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। कहाँ की बात है ये, कहाँ की बात, स्वर्ग पधारा नरक में कहते हैं या स्वर्ग में कहते हैं? नरकवासी कहते हैं स्वर्ग में पधारा, और हम सत संकल्पों के वाइब्रेशन में वायुमंडल में शरीर छोड़ेंगे तो हम कहेंगे स्वर्ग पधारा। क्यों है, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जो मरेंगे वो तो स्वर्ग में ही रहेंगे, जाने आने की बात ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।